नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कलौजी के मसाले के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं। कलौजी के मसाले में इन सब सामान का यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कि कितने क्वांटिटी में ये सब मसाले लगेंगे। ये हमारा सौंफ है, इसको हम 4 चम्मच डालेंगे। एक, दो, तीन, 4। बाकी मसाले भी इसी चम्मच से ही नाप के डालेंगे। जिस चम्मच का यूज करेंगे उसी से ही करेंगे। 1 चम्मच मंगरेला डाल देंगे। 1 चम्मच भर के राई डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच मेथी का प्रयोग करेंगे। मेथी इसमें हम 1/2 चम्मच इसलिए डाले हैं कि मेथी बहुत कड़वा होता है, मसाला कड़वा हो जाएगा, इसलिए इसमें मेथी की मात्रा कम ही होगी। मसाले को डाल लीजिए। अब इसे मध्यम आंच से 1-1.5 मिनट तक भूनना होगा। मसाला हमारा भून रहा है, इसको बहुत तेज आंच में नहीं करना है, मध्यम आंच में। ज़्यादा तेज आंच में करेंगे तो ये जल के खर हो जाएगा और टेस्ट में कमी आ जाएगी। जितना भी इसमें सामान डाले, यदि आपको क्वांटिटी में चाहिए तो इसके सेम चीज़ इसके जितने भी सामान है आप इसे डबल कर दीजिए। मसाला इसे भून के इसे मिक्सी में पीस लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे बना सकती हैं, 1 महीना 15 दिन इसको स्टोर करके रख सकती हैं। इसके टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी। देखिए, मेरा मसाला ये भुन चुका है। अब इसको हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। खुशबू अच्छी आ रही है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम पीस लेंगे। मसाला पलट लेते हैं। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस के आपको दिखाएंगे। पाउडर मसाला पीस चुका है। देखिए, इसमें बहुत पतले की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके का रहेगा। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। कलौजी का मसाला बनके तैयार हो गया है मेरा। अब मुझे तो 15 दिन के लिए फुर्सत हो गई है मसाले से।